हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट टू में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन वाले पार्ट में अपने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को सिलेबस के अनुसार स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, क्या वैश्विक रूप से आपके व्यापार के परिस्थितियों में बदलाव आया, क्या कारण थे कि यूरोपीय महाद्वीप से आपके पुर्तगाल से, नीदरलैंड से, है ना, स्वीडन से, डेनमार्क से और ग्रेट ब्रिटेन से कंपनियां भारत में व्यापार आने का कारण। इनमें से तीन कंपनियों के बारे हमने देख लिया था, पुर्तगाली कंपनी का परिचय, भारत में उनका जो योगदान है सफलता के दृष्टिकोण से, और असफलताएँ क्यों रही, क्योंकि जो भी यूरोपीय कंपनी आई थी उनमें से ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके भारत में ना केवल अपने प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों से व्यापारिक दृष्टि से, बल्कि आगे चल करके ये राजनीतिक वर्चस्व को अपने भारत में स्थापित करते हैं। व्यापारिक वर्चस्व में अगर कहें, आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना, अगर आप गूगल को मैं एग्जांपल लूँ या फिर एप्पल कंपनी, जिस एप्पल कंपनी का जो आपका टर्नओवर जो माना जाता है, जो आपका वार्षिक जो एनुअल जो आपका एक पूरा सर्कुलेशन मान सकते हैं, पूरे ऑल ओवर मल्टीनेशनल आपके उनके जो मार्केट है उनसे जो उनको रेवेन्यू मिलता है या फिर प्रॉफिट होता है, अमेरिका जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के बजट के आपके करीब करीब आपके उसका एक तिहाई पहुंचता है एप्पल की आपकी वार्षिक लाभ में। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य जो आपके भारत में ईस्ट इंडीज या इंडिया कंपनी ने जो आपके भारत में अपने व्यापार को शुरू किया, इसकी स्थापना हुई थी आपके 31 दिसंबर 1600। एस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे तो पुर्तगालियों के बाद दूसरी जो कंपनी आपके भारतीय व्यापार के लिए स्थापित हुई थी अपने मूल देश से, वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी ब्रिटेन मूल की कंपनी थी। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस दौर की आप उस मल्टीनेशनल कंपनी यानी वर्तमान की एप्पल या गूगल या अमेज़ॉन जैसी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी से बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। भारत में अपने व्यापारिक या यूरोपीय मूल की कंपनियों को व्यापारिक ट्रेडिंग में भी आपके इन्होंने टक्कर चुनौती देते हुए भारत के अधिकांश आपके व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और भारत में अगर आप इनका व्यापारिक वर्चस्व देखेंगे तो ये 1600 से आपके प्लासी के युद्ध के बीच 1757 के मध्य माना जाता है। और राजनीतिक वर्चस्व को अगर मैं कहूं, जिसे इन्होंने भारतीय रियासतों, ये राजनीतिक वर्चस्व आपका स्थापित होगा यूरोपी मूल कंपनी के संघर्ष स्ट्रगल यानी कि युद्ध और भारतीय रियासत या स्वतंत्र राज्यों से संघर्ष के पश्चात लगभग 1757 से 1857 की क्रांति तक इन्होंने भारत में जो आपके व्यापारिक वर्चस्व 100 सालों में आपके लगभग 150 सालों में स्थापित किया, उसके बाद ये आपके इन 100 सालों के ड्यूरेशन में भारत के सभी राजनीतिक जो आपके रियासत या जमींदार थे जिनके पास आपके भारतीय भूभाग के क्षेत्र में शासन करने का अधिकार जिन्होंने आपके किसी भी माध्यम से प्राप्त किया था, उन सभी को हटा करके भारतीयों को आपके गुलामी या दासता के युग में क्या करते हैं, ये आगे ले जाने में भी सफल हो जाते हैं। इनका कोई प्री प्लान नहीं था कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे या भारत को उपनिवेश बनाएंगे। भारत इनके लिए क्या था, आपका
कॉलोनाइज सिस्टम के द्वारा बनाया गया उपनिवेश, यानी कि एक ऐसा देश इन्होंने बनाया अपने देश की प्रगति के लिए, जिस देश के कच्चे माल प्राकृतिक संसाधनों को ला करके अपने देश में आपके उससे लाभ कमाया जा सके। जो उपनिवेश बनाया गया वहां के प्राकृतिक संसाधन, मानव श्रम और जितने भी वहां पर आपके बहुमूल्य धातु थे, उन सभी को अपने देश में लाकर के अपने देश की संपन्नता या समृद्धि के लिए उसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। समझ जाइए, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो है आपके शक्ति के माध्यम से प्रबल हो गया तो अपने अधीनस्थ व्यक्ति के पास जितनी भी चीजें हैं वो केवल अपने स्वार्थ या लाभ के लिए उसका क्या करने लग गया, उपयोग करने लग गया, और वो सशक्त व्यक्ति बना आपका इस ब्रिटेन की आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है, पहले आज जो मैं आपको टॉपिक बताना चाह रहा हूं, हम पहले देखेंगे सामान्य परिचय, जैसे हमने पहले कंपनियों का देखा, क्योंकि यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आपके 30 वर्ष के सामान्य परिचय को पूछा जा सकता है। देखिए संभावनाएं, यहां से क्वेश्चन जो रहते हैं आपके, मैं आपको बताते जाऊंगा, आप राइट डाउन करते जाइए, ताकि हम अपने लेक्चर के साथ में सभी प्रश्नों को भी क्या करते जाए, आपके कंप्लीट करते जाए। फिर इसके बाद इनके व्यापारिक वर्चस्व को, अंग्रेजों का भारत में व्यापारिक वर्चस्व, ये भी एक 30 वर्ष का आ जाएगा। ये व्यापारिक वर्चस्व कैसे स्थापित होगा, व्यापार में मिलने वाली इनके बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपकी इनको सहूलियत मिली थी, जिसमें से एक है आपका 1717 में भारत के तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियार के साथ किया गया आपका मुगलों के साथ समझौता, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का घोषणा पत्र भी कहते हैं। 30 शब्दों में बिल्कुल वहां पर क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक। तो उसको एक हम यहां पर रखेंगे। राजनीतिक वर्चस्व जिसमें हमें मूलतः अगर आप देखेंगे व्यापार यूरोपीय मूल की कंपनियों के साथ जो संघर्ष हुआ, जैसे डचों से देखेंगे, प्रत्यक्ष इन्होंने युद्ध किया था 1759 का, आपका बेदराम का युद्ध, लंबा संघर्ष इनका जो चला था आपका, पहले सेशन में मैंने बताया भी था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रांस मूल की कंपनी से लगातार 3 युद्ध हुए थे, जो आपके आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहलाते हैं, जो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य किए गए थे। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बस जानकारी होना चाहिए। तो एक आपके ये पूछा जा सकता है राजनीतिक वर्चस्व में कि यूरोपीय मूल की कंपनियों के साथ जो संघर्ष या युद्ध हुए थे उसके बारे में बताइए। इस पार्ट से सूचनात्मक ही आपके प्रश्न बनेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। फिर भारत में आपके जो हमें ज्यादा देखना राजनीतिक वर्चस्व में, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी रियासतों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, यहां से कई आपके 2012 के बाद एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया, जैसे अभी आपके हाल ही में पूछा गया था 2017-16 में सिराजुद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध थे। सिराजुद्दौला था आपका बंगाल का नवाब, ठीक है, क्योंकि भारत में आपके अब क्या हो चुका था, जो ब्रिटिश भारत विजय का जो कारण माना जाता है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, भारत में कोई एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता नहीं होना। मुगल जब तक जिंदा रहे, 1707 तक औरंगजेब रहा, ये मान के चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपके व्यापारिक वर्चस्व के दौर से क्या हो रही थी, गुजर रही थी। ये राजनीतिक वर्चस्व नहीं रहा आपका। राजनीतिक वर्चस्व कब शुरू होगा, आपके प्लासी के युद्ध, यानी बंगाल की रियासत सोने की चिड़िया को ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपका ग्रेप किया, उसके गर्दन को पकड़ा और उसके पंखों को आपके नष्ट करके भारत की सोने की चिड़िया यानी बंगाल रियासत में आपका अधिकार करके इन्होंने धीरे धीरे भारतीय अन्य रियासतों के साथ संघर्ष और युद्ध के माध्यम से उन्हें क्या किया, पराजित किया। उससे पहले व्यापारिक वर्चस्व में ये हर रियासत जो आपके जमींदार रहते थे बकायदा जाकर के झुकते थे, हेलो बोलते थे, बकायदा मुस्कुराते थे, और शक्कर की आपकी
बातों से यानी कि चटुकारिता के माध्यम से दरबारों में भेंट या नजराना दे करके छोटे छोटे क्षेत्रों में व्यापार करने के अपने अधिकार और अपने लाभ को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इस समय के बीच में इन्होंने बहुत खर्च किया, बहुमूल्य धातु ये लेके आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी, और उसके बदले में भारत में सूती वस्त्र हो गया आपका, कॉटन हो गया, और जितने भी मुख्य आपके यूरोपीय मांग के अनुकूल जो वस्तु होती थी उनको क्या करते थे, ये खरीदते थे। ठीक है, इन बातों को एक सिरे से आप अपने दिमाग में बैठाते चलिए, क्योंकि आगे इसके बाद लगभग आज ये मान के चलिए हम अपने इनके व्यापारिक वर्चस्व को देखेंगे, इनका सामान्य परिचय, व्यापारिक वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व में हम यूरोपीय मूल का भी देख लेंगे और रियासतों के साथ संघर्ष में केवल बंगाल का देखेंगे। फिर कल नेक्स्ट डे में हम अपने मैसूर, मराठा, इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन बात यह है कि आखिर भारत में इन ब्रिटिश विजय के कारण क्या थे। सबसे बड़ा कारण अगर मैं कहूं राजनीतिक या फिर व्यापारिक वर्चस्व तक तो बात समझ में आती है, ये लाभकारी रूप से हमारे रियासतों में और आपके स्थानीय जमींदार या कुलीन वर्ग को जो आपके अपने राज्य में स्थापित हो गए थे उनको भेंट नजराना दे रहे थे। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व सीधे सीधे युद्ध करके रियासतों को हराने की बात जब आती है, उसका सीधा सा कारण अगर आप देखेंगे, कोई एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता भारत में नहीं थी। औरंगजेब 1707 में इसकी मृत्यु होती है, उसके उत्तराधिकारियों में क्योंकि मुगल थे, एक ही व्यक्ति जो था आपके दो से तीन आपके अधिक शादियां करते था और उनके संतानों की संख्या बहुत रहती थी। उत्तराधिकार के नियम कोई निश्चित नहीं थे, कोई योग्यता नहीं थे आपके कोई भी बादशाह बनने के लिए, जिसमें जो शक्ति सामर्थ्य रहता था अपनों के ही हत्या करके वो क्या बनते थे, आपके बादशाह बनते थे। तो उत्तराधिकार के नियम, स्पष्ट नियम ना होना, उसके लिए संघर्ष होना, और जो औरंगजेब के बाद जितने भी आए, जैसे बहादुर शाह प्रथम हो गया है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, आप इन सब के बारे में सुने होंगे, शाह आलम द्वितीय हो गए, फरकुसियार हो गए, ये बहुत अकुशल मुगल शासक रहे। ये केवल अपने विलासिता के ही जीवन को इन्होंने प्रमुखता दी, लेकिन अपने पूर्वजों के अनुसार इन्होंने कोई भी सशक्त प्रशासन या आपके साम्राज्य विस्तार, क्या साम्राज्य को समेटने का भी इन्होंने प्रयास नहीं कर पाया। उस समय जो शक्ति विकेंद्रीकरण अगर आप देखेंगे, दो लोगों के पास जमा थी, एक जमींदार थे जिनका जमीन पे वंशानुगत अधिकार होता था, जैसे राय हो गए, ठाकुर हो गए, देशमुख हो गए। औरंगजेब की जैसी मृत्यु होती है, अकुशल उत्तराधिकार आते हैं, जमींदार भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, शक्ति का केंद्रीकरण करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ थे कुलीन वर्ग, एलीट वर्ग, जिनको अकबर के समय में जो मनसबदारी प्रथा चालू होती थी, जैसे राजपूत होते थे, मनसब दिया जाता था, एक रैंक होता था, उनके पास बहुत बड़ी जागीर होती थी। ना केवल इनके पास जमीन होती थी कुलीन वर्ग के पास, बल्कि प्रशासन में भी हस्तक्षेप का अधिकार होता था। तो जैसी औरंगजेब की मृत्यु हुई, अकुशल उत्तराधिकार आपके उत्तराधिकारी रहे, तो ये जमींदार और कुलीन वर्ग इन लोगों ने अपने आप को सशक्त कर लिया, और ये आगे चलकर के क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में क्या हुआ, इनका उदय हुआ। पिछली क्लास में बताया था आपको, बंगाल में मुर्शिद कुली खा हो गया, अवध में सआदत खा, ये सब जमींदार और आपके इसी वर्ग में आते थे। ठीक है, गुजरात हो गया आपका, मैसूर में आपके हैदर अली ने स्वयं को स्थापित कर लिया, और वही जो आपके बाह्य चुनौती जो औरंगजेब की धर्मांध नीति के कारण, उसने स्वयं औरंगजेब ने अपने पूरे प्रशासन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, स्थायित्व को जो आपके नुकसान पहुंचा था, वो धर्मांधता की नीति, जिसे मराठा, जाट और सिख आपके जो वर्ग थे, ये आपके मुगलाई शासन के क्या हो चुके थे, विरोधी हो गए थे। बाद में तो मराठाओं का पूरा स्वतंत्र मराठावाड़ा आपका स्थापित हो गया था, जो आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी के मालवा तक विस्तृत हो गया था। बाजीराव प्रथम के बारे में आपने सुना होगा कि मेरी तो जो मंजिल है मराठाओं को पहुंचाना, वो दिल्ली के शासन तक अधिकार करने का वो क्या करते थे, आपका नेतृत्व करते थे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रही कि भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार से आपके भारत को गुलाम बनाने, राजनीतिक वर्चस्व की कहानी में एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो आपका, या ये कह सके कि कारण जो विद्यमान था, केंद्रीय सत्ता आपके भारत में नहीं थी। सभी छोटे छोटे राज्य में अपने जो जमींदार कुलीन वर्ग थे, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में आपके अपने स्वतंत्र रियासत में संगठित हो गए थे, ये केवल अपने क्षेत्र तक सीमित थे। अंग्रेज इतनी बेहतर कूटनीति अपनाते थे इनके दरबार में, क्योंकि जानते थे दरबार में आपके इनकी क्या चलती थी,
कूटनीतियां चलती थी, नजराना भेंट करके दूसरे आपके यूरोपीय मूल कंपनी के प्रति इनको क्या करते थे, अब इनके सामने तो एक से ज्यादा लोग थे कच्चे माल खरीदने के लिए, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, अंग्रेज भी थे, तो ये जो आपके स्वतंत्र रियासत के जो शासक होते थे बहुत लाभ कमाते थे। ये सोचते थे कि हम ये 4 रुपए दे रहा, ये 10 रुपए दे रहा पुर्तगाली और 18 रुपए डच दे रहा, अंग्रेज 22 दे रहे तो 22 में दे दो। अंग्रेजों ने बहुत इन्वेस्ट किया आपके प्रारंभ में, ऐसा नहीं कि एकाएक उनको भी व्यापारिक वर्चस्व मिला। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहले सामान्य परिचय। बहुत सामान्य, हर कोई प्रारंभिक परीक्षा में भी इस चीज को जानता होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको याद रखना है कि भारत से जो आपके व्यापार के लिए ब्रिटेन मूल के आपके एलिजाबेथ प्रथम ने, वहां के सरकार की जो प्रमुख आपके राजशाही था आपका, ठीक है, उस राजशाही में जो एलिजाबेथ प्रथम जो थी आपकी महारानी, उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए लंदन की एक स्वतंत्र निजी आपके नाविकों की संस्था थी, मर्चेंट लंदन ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले आपके लंदन के आपके व्यापारियों का एक समूह था, जिसमें वो लोग शामिल होते थे जो अपने नाव के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में जा करके आपके बहुमूल्य कच्चे माल को अपने ब्रिटेन में लेके आते थे। ऐसे लोगों को, आपके समूहों को आपके इसकी जानकारी मिली महारानी एलिजाबेथ को, और चूंकि होड़ तो लगी हुई थी यूरोप में सभी सरकारों के द्वारा कि हम अपने सरकार के समर्थन से कंपनी स्थापित करें, तो महारानी एलिजाबेथ ने इसी मर्चेंट लंदन ऑफ इंडिया को आपके 31 दिसंबर 1600 में सरकार का समर्थन दिया और पूर्व की ओर व्यापार करने का इनको क्या दे दिया, आपका पूरा अधिकार दिया। कहा गया कि आपको प्रशासनिक मदद दी जाएगी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, आपको राजस्वगत जो भी वित्त लगेगा जहाजों को वहां लेके जाना, इन सब में हम अपने सरकार की तरफ से आपको समर्थन देंगे। तो प्रशासनिक, राजस्व और आपके सैन्य से जुड़े हुए सभी पहलुओं पे सरकार के आपके एलिजाबेथ से इनको समर्थन दिया गया, और इन निजी व्यक्तियों के आपके कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया, क्योंकि पूर्व यानी भारत के लिए आपके व्यापार के लिए स्थापित की गई। 1600 में स्थापना के बाद भारत में अगर आप देखेंगे जो वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्य का या पहले इनका कोठी हम देखें जहां पर इन्होंने व्यापार के लिए कुछ जगह मिली, तो वो गुजरात का आपका सूरत था। पहला इनका व्यावसायिक जो कोठी स्थापित करने की इनको अनुमति मिली, ठीक, जहांगीर के दरबार में आपके दो राजदूत आए थे। फर्स्ट एम्बेसडर जो ब्रिटिश राजदूत माना जाता है वो है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, जो तत्कालीन राजा के आपके परामर्श पे इनको भेजा गया था कि जाओ भाई आप भारत में व्यापार करने के लिए, वहां के मुगल बादशाह से आप बकायदा कोई अनुबंधित अपनी एक वो लीजिए, क्योंकि जब तक मुगल बादशाह है सशक, उनकी अनुमति के बिना कोई भी विदेशी कंपनी भी भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन हॉकिंस से कोई विशेष बात नहीं बनी। फिर आया आपके टॉमस रो, टॉमस रो से बहुत प्रसन्न हुआ आपका जहांगीर, और टॉमस रो बहुमुखी प्रतिभा का आपका व्यक्ति था। इसने समझ लिया था कि जहांगीर को, इस मुगलाई बादशाह को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, और उसी के आधार पे इनको सूरत में आपके सामान्यता अगर आप देखेंगे कोठी के साथ साथ सामान्य सीमित रूप से व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक। और भारत में अगर आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है, फर्स्ट गवर्नर जो इनका आर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, उच्च कोटि का डिप्लोमेट, कूटनीतिक गवर्नर था, जिसने भारत में आपके इनके व्यापारिक वर्चस्व को राजनीतिक वर्चस्व की आपकी शिला तक पहुंचाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था, ठीक। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से भारत की सबसे धनाढ्य रियासत को इसने आपके हराने में सफल हुआ था, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी कूटनीति थी। तो ये बस आपको सामान्य परिचय में याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट पहले इनके भारत में जो आपके व्यवसायिक कोठी स्थापित की गई थी, राजदूत जो रहा कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, और जो भारत में वास्तविक ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक माना जाता है वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव।